Hello everyone this is me Maha your English instructor from tutoria.pk I hope you all are doing good and are in great spirits

में न्यूज़ का सेगमेंट ऐड कर दिया गया लेटर ऑन एंटरटेनमेंट का सेगमेंट उसमें ऐड कर दिया गया सो द सिचुएशन इज वेरी ऑपोजिट लेकिन अब दोनों ही मीडियम न्यूज़ डिलीवर करते हैं और दोनों एक दूसरे के राइवल्स बन चुके हैं न्यूज़ डिलीवरेंस में राइवल्स मतलब हरीफ बन चुके हैं सो लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2 डील्स विद प्रोज़ ऑफ़ रीडिंग न्यूज़ फ़्रॉम न्यूज़पेपर कि हमें क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम न्यूज़ को है न्यूज़ news को न्यूज़पेपर से रीड करें जब हम न्यूज़पेपर से रीड करते हैं तो हमारे पास ये लिवरेज होता है कि हम उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने बैग में रख के कहीं भी ले जाएं कहीं भी बैठ के उसे पढ़ लें किसी भी वक्त तो न्यूज़पेपर्स हैंडी होते हैं इजी टू कैरी होते हैं और जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो हम पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि हमें पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा जस्ट टू रीड द न्यूज़ जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं हम जो न्यूज़ हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है उसको स्किप करके दूसरे पोर्शन पर भी जा सकते हैं मोर ओवर ये हमें बाउंड नहीं करती है एक जगह पे कि हम एक ही जगह पर बैठ के न्यूज़पेपर रीड करें सो इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर रीडिंग न्यूज़ फॉर बिजी पीपल लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में हम देखेंगे कि न्यूज़ को टेलीविजन पे वॉच करने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जब हम टेलीविजन पर कोई भी प्रोग्राम देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो हम एक जगह बाउंड हो जाते हैं एक ही जगह बैठ के हमें सुनना है एक ही जगह बैठ के हमें देखना है हम मूव नहीं कर सकते फ्रीली मूव नहीं कर सकते और अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी पोर्शन या इम्पोर्टेंट पोर्शन न्यूज़ का हमसे मिस हो जाएगा और हमारे पास ये लिवरेज नहीं होता है कि हम न्यूज़ के उस पोर्शन को स्किप कर दे जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं और उस पोर्शन को ही देखें जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक है सो so हमें पूरा न्यूज़ का जो बुलेटिन है वो देखना पड़ता है जस्ट टू लिसन टू द न्यूज़ जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं तो इससे हमारा टाइम वेस्ट भी होता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है मोर ओवर ये एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है बिजी लोगों के लिए क्योंकि इट्स नॉट हैंडी हम पूरा टेलीविजन उठा के कहीं भी बैठ के न्यूज़ नहीं देख सकते हैं मतलब हम अपने बैग में पूरा टेलीविजन तो नहीं डाल सकते हैं कि हम इसे कैरी कर लेंगे और कहीं भी बैठ के न्यूज़ देख लेंगे लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पैराग्राफोर्थ पैराग्राफ किस बारे बात करता है फ्रोज ऑफ वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविजन यानी कि हम अगर न्यूज़ को टेलीविजन पर देखते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं पहली बात तो ये ठीक है कि अगर हम कुछ भी टेलीविजन पर देख रहे हैं तो हम में इन एक्टिवनेस या लेज़ीनेस आ जाती है हम सुस्त हो जाते हैं क्योंकि हम एक ही जगह बैठे हुए हैं और हमारे सामने पूरे विजुअल्स और ऑडिटरी मटेरियल्स चल रहे हैं पूरी मूवी या प्रोग्राम चल रहा है एंड वी आर नॉट मूविंग तो ये लेज़ी कर देता है ऑडियंस को बट ऑन दी अदर हैंड कुछ एडवांटेजेस भी हैं जब हम कोई भी न्यूज़ टेलीविज़न पर देखते हैं तो हमें उसको समझने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सारी पिक्चर्स हमारे आगे चल रही होती हैं ऑडिटरी मटेरियल यानी मटेरियल जो समाज से रिलेटेड है वो सारा चल रहा होता है फ़ॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ डिलीवर की जा रही है तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी चल रही हैं और ऑडिटरी मटेरियल भी चल रहा है तो हमें न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है मोर ओवर जो टेलीविज़न पर न्यूज चलती है उसकी ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज जो होती है वो बहुत सिंपल रखी जाती है तो कोई भी आम आदमी ले पर्सन या कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है इतना लिटरेट आदमी नहीं है वो भी ईजिली उस न्यूज़ को समझ सकता है जो टेलीविजन पर दिखाई जा रही है उच मीन्स कि हमें मास्टरी ऑफ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है किसी मखसूस लैंग्वेज में महारत की जरूरत नहीं होती है टेलीविजन पर न्यूज़ समझने के लिए ऑन दी अदर हैंड न्यूज़पेपर में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स में यूज़ की जाती हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती हैं उसको समझने के लिए एक मखसूस लैंग्वेज में अबूर हासिल करना ज़रूरी होता है उस लैंग्वेज में जिसमें न्यूज़पेपर लिखा गया है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ़ नेक्स्ट पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में बात करता है कि अगर न्यूज़ news, न्यूज़पेपर से रीड की जाए तो उसके एडवाटेजेस क्या होते हैं सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवाटेजेस ऑफ रीडिंग न्यूज़ फ्राम न्यूज़ पेपर क्या होता है कि जब हम न्यूज़ news को न्यूज़पेपर से रीड कर रहे होते हैं बेशक हमें उतनी अपडेटेड न्यूज़ नहीं मिल रही है जितना कि हमें टीवी दे रहा होता है टीवी तो हमें जो हैपनिंग जिस वक्त हो रही होती है उसी वक्त हमें न्यूज़ डिलीवर कर रहा होता है लेकिन जो न्यूज़ news, न्यूज़ में होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है इन डेप्थ होती है कॉम्प्रिहेंसिव होती है थौरो होती है मुकम्मल होती है क्यों होती हैं क्योंकि न्यूज़ पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं अदारिये होते हैं और कॉलम राइटर्स के अपने एनालिसिस और एक्सपर्ट व्यूज़ होते हैं किसी एक स्टोरी या सब्जेक्ट को लेके तो ये चीज़ें एक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल बना देती हैं छोटी छोटी चीज़ों की भी डिटेल होती है जो एक स्टोरी के बारे में न्यूज़ होती है उसमें हमें हर तरह की डिटेल मिल जाती है मोर ओवर न्यूज़ जो अगर हम न्यूज़पेपर से रीड करते हैं उसमें हमारे पास गिल एवरेज भी होता है कि हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि कितनी दुरुस्त है और वो किस तरीके से चेक की जा सकती है कि हम मल्टीपल न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं मतलब एक से ज़ायद न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं और उनमें से व्यू पॉइंट्स इकट्ठे करके उनको कंपेयर कर सकते हैं और इस तरीके से हम किसी एक स्टोरी के मुताबिक जो न्यूज़ दी गई है उसकी हम ऑथेंटिसिटी या करेक्टनेस चेक कर सकते हैं ये लग्जरी टेलीविजन पर न्यूज देखने में नहीं होती है हम जो न्यूज टेलीविजन पर चल रही होती है उसकी वैलिडिटी चेक नहीं कर सकते हैं मोर ओवर हम अपना फीडबैक भी दे सकते हैं न्यूज़पेपर्स को किसी न्यूज से रिलेटेड अब ये लग्जरी भी टेलीविजन पर न्यूज देखने में मिसिंग होती है अगर हम कोई न्यूज देख रहे हैं टेलीविजन पर तो हम अपना फीडबैक उस न्यूज से रिलेटेड नहीं दे सकते मूविंग ऑन टू आर लास्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन आ जाता है जो डिबेट चल रही है टेलीविजन को लेके और न्यूज़पेपर को लेके वो कंक्लूड की जा रही है और राइटर कहता है कि दोनों ही मीडियम इफेक्टिव मीडियम से न्यूज़ न्यूज़ को डिलीवर करने में जो एक में स्ट्रेंथ है वो दूसरे में वीकनेस है जो एक में वीकनेस है वो दूसरे में स्ट्रेंथ है सो so, अपनी अपनी जगह स्ट्रेंथ और और वीकनेसेस हैं दोनों मीडियम्स में लेकिन साथ ही राइटर जो है वो टेलीविज़न पर न्यूज़ देखने को कंपेयर करता है फास्ट फूड से फ़ास्ट फूड कौन सा फ़ूड होता है जो जल्दी से पक जाए और जल्दी से खाया जाए विच मीन्स के टेलीविज़न पर जो न्यूज़ हम देखते हैं वो बहुत ही जल्दी हम देख सकते हैं क्योंकि इतनी डिटेल नहीं होती है इतनी इन डेप्थ में नहीं होती है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती है हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती उसको अंडरस्टैंड करने में क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है साथ ही साथ न्यूज़ अगर हम न्यूज़पेपर से रीड करते हैं तो उसको किस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है टेन कोर्स डिनर से टेन कोर्स डिनर कौन सा होता है जिसमें दस डिशेस होती हैं मतलब इट्स अ लॉन्ग वे टू प्रिपेयर इट एंड टू ईट इट एंड इसीलिए इसको न्यूज़पेपर से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि जो न्यूज़ न्यूज़पेपर में होती है वो इन डेप्थ होती है बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ दी गई होती है साथ ही साथ उसमें हमें मास्टरी ऑफ लैंग्वेज की भी ज़रूरत होती है टू अंडरस्टैंड इट बेटर दिन राइटर कहता है कि आइडियल सिचुएशन ये होगी कि एक इंसान के पास इतना टाइम हो कि न्यूज़ को वो टेलीविजन पर भी देख सके और न्यूज़पेपर से भी रीड कर सके विद दिस वी हैव कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ आर टूडेज वीडियो लेक्चर आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा इन शाह वील बी मीटिंग विद सम न्यू टॉपिक इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर दिस इज मी महा योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फ्रॉम टीटोरिया डॉट पी के साइन आउट